इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स का ये पांचवा वीडियो, आप सभी का स्वागत। और इसमें हम लोग हेविसाइड्स इन्वर्स फार्मूला पढ़ेंगे और इस पर बेस्ड एक दो एग्जाम्पल करेंगे। ये फार्मूला स्पेशली तब अप्लाई करना ठीक रहता है जब हम पार्शियल फ्रैक्शंस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स देख रहे होते हैं। वो भी इसके लिमिटेशंस हैं, बहुत ज़्यादा तो ये वाइड रेंज कवर नहीं करता है, क्योंकि जी ऑफ पी के पास डिस्टिंक्ट रूट्स होने चाहिए, यानी जी ऑफ पी के पास लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स होने चाहिए डिनोमिनेटर के पास, बस तभी ये फार्मूला अप्लाई होगा। आइए पहले इसका हम लोग प्रूफ पढ़ें, फिर उसके बाद इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखें। एफ ऑफ पी अपॉन जी ऑफ पी, पार्शियल फ्रैक्शन के सारे लक्षण मौजूद हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में किसी फ्रैक्शन को तोड़ने के लिए पहली शर्त होती है न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए, ये लिखा हुआ है। इफ़ द डिग्री ऑफ एफ ऑफ पी इज लेस देन दैट ऑफ जी ऑफ पी, और जी ऑफ पी के पास फैक्टर्स होने चाहिए, वो फैक्टर्स भी दिया हुआ है, तो हम जी ऑफ पी को फैक्टराइज करके नीचे लिख दे रहे हैं। एफ ऑफ पी अपॉन पी माइनस अल्फा वन, पी माइनस अल्फा टू, सो ऑन, पी माइनस अल्फा एन, लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स हैं ये। तो फिर इसके लिए क्या रूल है पार्शियल में ब्रेक करने का, वही एडॉप्ट कर रहे हैं। इज इक्वल टू ए वन अपॉन पी माइनस अल्फा वन प्लस ए टू अपॉन पी माइनस अल्फा टू प्लस सो ऑन प्लस ए आर अपॉन पी माइनस अल्फा आर प्लस सो ऑन प्लस ए एन अपॉन पी माइनस अल्फा एन, चलेगा? बीच में एक जनरल टर्म डाल दिए आर्यथ टर्म। मल्टीप्लाइंग बाय पी माइनस अल्फा आर एंड टेकिंग लिमिट एज पी टेंस टू अल्फा आर वी हैव लिमिट पी टेंस टू अल्फा आर एफ ऑफ पी अपॉन जी ऑफ पी इंटू पी माइनस अल्फा आर इक्वल्स टू लिमिट पी टेंस टू अल्फा आर ए वन अपॉन पी माइनस अल्फा वन इंटू पी माइनस अल्फा आर प्लस लिमिट पी टेंस टू अल्फा आर ए टू अपॉन पी माइनस अल्फा टू इंटू पी माइनस अल्फा आर प्लस सो ऑन प्लस लिमिट पी टेंस टू अल्फा आर ए आर अपॉन पी माइनस अल्फा आर पी माइनस अल्फा आर प्लस सो ऑन प्लस लिमिट पी टेंस टू अल्फा आर ए एन अपॉन पी माइनस अल्फा एन इंटू पी माइनस अल्फा आर। सभी में पी माइनस अल्फा आर से मल्टीप्लाई किया गया है और लिमिट लिया गया है लिमिट पी टेंस टू अल्फा आर। एक स्टेप हम यहाँ पे बचाना चाह रहे हैं, इतना लंबा एक्सप्रेशन कौन बार बार लिखे, ये फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल हो गया और अब यहाँ ए आर बचा जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ पी है, तो पी टेंस टू अल्फा आर करेंगे तब भी इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। इधर भी एक काम किया जाता है इम्प्लाइज दैट, इसको दो हिस्सों में तोड़ेंगे, लिमिट पी टेंस टू अल्फा आर एफ ऑफ पी और दूसरे ब्रैकेट में लिमिट पी टेंस टू अल्फा आर पी माइनस अल्फा आर अपॉन जी ऑफ पी, ऐसे बांट लिए।
अब पी बराबर अल्फा आर लिमिट जब लोगे तो ये जीरो से ये जीरो सब जीरो हो जाएंगे, यही एक टर्म बचेगा बस, इक्वल्स टू जीरो प्लस जीरो प्लस सो ऑन प्लस ए आर प्लस सो ऑन प्लस जीरो, इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ अल्फा आर, पी की जगह अल्फा आर लिमिट ले लिया, और इसको अभी एक बार ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ क्योंकि एक बार में एक ही काम करें बढ़िया से समझ में आएगा, p माइनस अल्फा आर अपॉन जी ऑफ p इक्वल्स टू ए आर। देखो यहां लिखते हैं, लिख लिख के समझाते हैं, सिंस अल्फा आर इज अ रूट ऑफ g of p is equal to zero, therefore g of alpha r must be zero. तो p बराबर alpha r limit जब लोगे तो g of alpha r ये zero है, alpha r minus alpha r ये zero है, तो ये zero upon zero limit हुआ, therefore limit p tends to alpha r p minus alpha r upon g of p, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, जीरो बाई जीरो फॉर्म, डीएल हॉस्पिटल रूल हम लगा देंगे। इसको नंबर एक कर लें, इक्वल्स टू लिमिट पी टेंस टू अल्फा आर, p के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऊपर वन हो गया और नीचे हो जाएगा g डैश ऑफ p बाई dl हॉस्पिटल रूल। अब लिमिट लें p बराबर अल्फा r रख दें तो हो जाएगा वन अपान g डैश ऑफ अल्फा r, पुटिंग इट इन वन we get AR is equal to F of alpha R, और इस पूरे का मान आया है ऐसे लिखते हैं इसको, F of alpha R upon G dash of alpha R। इससे आपको A1, A2, so on मिलेगा, नंबर टू। अब आप लिखें फ्रॉम टू ए वन इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा वन अपॉन जी डेस ऑफ अल्फा वन, ए टू इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा टू अपॉन जी डेस ऑफ अल्फा टू, सो ऑन, ए आई इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा आई अपॉन जी डेस ऑफ अल्फा आई, सो ऑन, ए एन इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा एन अपॉन जी डेस ऑफ अल्फा एन। ए आई क्या लिखना है, ए आर तो रहेगा ही, आर कर दे रहे, नंबरिंग में हमसे लगता है कुछ गड़बड़ी हो गई, नंबर वन हमको लगता है पहले डाले होंगे कहीं या नहीं डाले होंगे, जा रहे हैं तुम नंबर का झमेला छोड़ो, शुरू में जो लेके चले थे उसी एक्सप्रेशन में ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव सबकी वैल्यू रखो। नाउ एफ ऑफ पी अपान जी ऑफ पी, ये आप लिखे थे ए वन अपान p माइनस अल्फा वन प्लस ए टू अपान p माइनस अल्फा टू प्लस सो वन प्लस ए एन सॉरी ए आर अपान p माइनस अल्फा आर प्लस सो वन प्लस ए एन अपान p माइनस अल्फा एन,
इसी में ये वैल्यूज रख दें, इक्वल्स टू वन अपॉन पी माइनस अल्फा वन इंटू ए वन का मान एफ ऑफ अल्फा वन अपॉन जी डैश ऑफ अल्फा वन, इसमें पी नहीं है तो ये कांस्टेंट जैसा हो गया ना, तो इसको इधर लेते हैं वन अपॉन पी माइनस अल्फा वन। एल इनवर्स निकालना है अभी, प्लस एफ ऑफ अल्फा टू अपॉन जी डैश ऑफ अल्फा टू वन अपॉन पी माइनस अल्फा टू प्लस वन, इसको नहीं लिख रहा जनरल वाले को हटाओ, प्लस एफ ऑफ अल्फा एन अपॉन जी डैश ऑफ अल्फा एन वन अपॉन पी माइनस अल्फा एन। तो कायदे से देखा जाए तो हमने इसको आंशिक भिन्नु में ही तो तोड़ा है, ये व्यवस्था देखो। अब एल इनवर्स निकाल लीजिए दोनों तरफ, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑन बोथ साइड्स we have L inverse of the fraction f of p upon g of p is equal to linearity property लगा दे रहे हैं, ये constant है f of alpha 1 upon g dash of alpha 1 और इसका L inverse e to the power alpha 1 t होगा, plus f of alpha 2 upon g dash of alpha 2 e to the power alpha 2 into t plus so on plus f of alpha n upon g dash of alpha n e to the power alpha n t। यही फार्मूला आपको लाना था, सिग्मा में इसको लिखिएगा तो लिखिए सिग्मा f of alpha i upon g dash of alpha i e to the power alpha i t, i varies from 1 to n। ये हेविसाइड्स इनवर्स फार्मूला को हमने सिद्ध कर दिया, प्रूव कर दिया। अब इस पर बेस्ड आइए न्यूमेरिकल्स देखें। इलस्ट्रेशन के नाम पर कर दे रहे हैं, अपने जो मेन स्ट्रीम के एग्जांपल्स हैं उनमें इसको शामिल नहीं कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन वन, एल इनवर्स ऑफ थ्री पी प्लस सेवन अपॉन पी स्क्वायर माइनस टू पी माइनस थ्री इज इक्वल टू फोर ई टू दी पावर थ्री टी माइनस ई टू दी पावर माइनस टी। पार्शियल से जो आप एग्जाम्पल पढ़े हो उन्हीं में से एक ठो उठा लिया इसको। f of p is equal to 3p plus 7, इसकी डिग्री g of p की डिग्री से कम है, g of p is equal to p minus 3 into p plus 1, ये फैक्टर्स हो जाएंगे है ना, और g of p is equal to 0 implies that p is equal to 3 minus 1, क्रमशः इन्हें अल्फा वन अल्फा टू मान लिया हमने, जी डैश पी भी चाहिए तो जी डैश पी बराबर होगा टू पी माइनस टू, जी डैश पी यहां से टू पी माइनस टू। बाई हेविसाइड्स इनवर्स फार्मूला बाई हेविसाइड्स, ये मैथमेटिशियन का नाम है भैया हेविसाइड, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। बाई हेविसाइड्स इनवर्स फार्मूला एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ पी अपॉन जी ऑफ पी इज इक्वल टू अल्फा वन अल्फा टू, दो ही रूट्स है तो बस ये दो ही टर्म तक लिखाएगा ये।
बस सब डेटा फीड करिए। अल्फा वन आपने माना है 3 को, अल्फा टू माना है माइनस वन को, तो ये हो गया एफ ऑफ 3 अपॉन जी डैश ऑफ 3 ई टू द पावर 3t प्लस एफ ऑफ माइनस वन अपॉन जी डैश ऑफ माइनस वन ई टू द पावर माइनस टी, है ना, बड़ा सिंपल बड़ा मज़ेदार है। इक्वल्स टू एफ ऑफ 3, यहाँ से निकालो, पी की जगह पे 3 रखो, 3 जन 9, 9 प्लस 7 16 अपॉन जी डैश 3, जी डैश 3 3 टू जा 6 माइनस 2 4 ई टू दी पावर 3t प्लस एफ ऑफ माइनस 1 माइनस 3 प्लस 7 4 जी डैश ऑफ माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 ई टू दी पावर माइनस टी, एंड दिस इज इक्वल टू 4 ई टू दी पावर 3t माइनस ई टू दी पावर माइनस टी। ये देखो एक इलस्ट्रेशन और, थोड़ी बहुत कसर अगर रह गई हो समझने में तो पूरी हो जाए। इलस्ट्रेशन 2, एल इनवर्स ऑफ टू पी माइनस वन अपॉन पी क्यूब माइनस पी इज इक्वल टू वन प्लस ई टू दी पावर टी अपॉन टू माइनस थ्री ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टू, बिल्कुल वैसे करते चलिए। एफ ऑफ पी इज इक्वल टू टू पी माइनस वन, जी ऑफ पी इज इक्वल टू पी क्यूब माइनस पी इक्वल्स टू पी इंटू पी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू पी इंटू पी माइनस वन इंटू पी प्लस वन, जी डैश ऑफ पी भी निकाल लो, जी डैश ऑफ पी इज इक्वल टू 3p² - 1। अब जी ऑफ पी इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट पी इंटू पी माइनस 1 इंटू पी प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट पी इक्वल्स टू 0 कामा 1 कामा माइनस 1, क्रमशः अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 मान लीजिए, क्रम क्या रखें इस पर कुछ नहीं है, किसी को अल्फा 1 किसी को अल्फा 2 जो बच गया वो अल्फा 3, बस हेवी साइड्स इनवर्स फार्मूला लिखिए। बाई हेवी साइड्स इनवर्स फार्मूला एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ पी अपॉन जी ऑफ पी इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा वन अपॉन जी डैश ऑफ अल्फा वन ई टू द पावर टी इंटू अल्फा वन प्लस एफ ऑफ अल्फा टू अपॉन जी डैश ऑफ अल्फा टू ई टू द पावर टी अल्फा टू प्लस एफ ऑफ अल्फा थ्री अपॉन जी डैश ऑफ अल्फा थ्री e टू दी पावर टी इंटू अल्फा थ्री, बस तीन है ना, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, तो अल्फा वन आपने जीरो लिया है, अल्फा टू वन लिया है, अल्फा थ्री माइनस वन लिया है, यही सब यहाँ फीड करिए, इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो अपॉन जी डैश ऑफ जीरो ई टू दी पावर जीरो टी प्लस एफ ऑफ वन अपॉन जी डैश ऑफ वन e टू दी पावर 1t प्लस f ऑफ माइनस 1 अपॉन g डैश ऑफ माइनस 1
ई टू दी पावर माइनस वन इंटू टी इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो माइनस वन अपॉन जी डैश जीरो, जी डैश जीरो यहां से माइनस वन और ये हो गया वन प्लस एफ ऑफ वन वन जी डैश वन टू ई टू द पावर टी प्लस एफ ऑफ माइनस वन माइनस थ्री जी डैश ऑफ माइनस वन टू ई टू द पावर माइनस टी इक्वल्स टू वन प्लस ई टू द पावर टी अपॉन टू माइनस थ्री ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टू आ गया ना आंसर। तो बड़ा अच्छा फार्मूला है लेकिन इसका जो कवरिंग क्षेत्र है बहुत कम है। ये फार्मूला हम तभी लगा सकते हैं जब डिनोमिनेटर के पास लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स हो। क्यों हम इस फार्मूले को लगाएं, समझ रहे हो ना आप वेल मुझे मार। लेकिन अगर निर्देश हो गया, कमांड हो गया क्वेश्चन में बाई यूजिंग हेविसाइड्स इनवर्स फार्मूला फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफार्म आप फलाने, तब आपको ये रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। थैंक यू। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफार्म का एक किस्त एक खंड खत्म हुआ। अब दूसरे खंड में फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी और उस पर बेस्ड एग्जांपल्स। फिर तीसरे खंड में मल्टीप्लिकेशन बाय पी, डिवीजन बाय पी और फिर उस पर बेस्ड एग्जांपल्स। ऐसे ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्लेलिस्ट भी आप देखिएगा, उसमें भी पहले खंड में यही जनरल बातें और दूसरे खंड में फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, तीसरे खंड में मल्टीप्लिकेशन बाय टी, डिवीजन बाय टी और उसके बाद फिर आगे। तो मैं अक्सर सलाह दे रहा हूँ और यही सलाह मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी देता हूँ कि जैसे मान लीजिए एक खंड उसका पढ़े, फिर एक खंड इसका पढ़िए, फिर एक खंड उसका पढ़िए, फिर एक खंड इसका पढ़िए, ऐसे पढ़िए आपको अच्छा लगेगा। तो अब हम आगे शुरू करेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम और चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी और उस पर बेस्ड एग्जांपल्स। थैंक यू।